अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं चिकन बनाने जा रही हूँ। 500 ग्राम चिकन लिए हैं, लहसुन अदरक ली हूँ, हरा मिर्च, 2 तेज पत्ता, 3 दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 4 प्याज काट ली हूँ, 1 टमाटर, धनिया पत्ता। चिकन को मैं पहले नींबू का रस डाल देती हूँ। थोड़ा हल्दी पाउडर, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार। इसको थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, गरम हो चुका है। अब मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, 100 ग्राम। तेल गरम हो चुका है, दालचीनी डाल रही हूँ, लौंग, दो तेज पत्ता, बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ। थोड़ा इसको चलाना होगा, प्याज को भूरा करना होगा। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, बना के रखी थी। हरी मिर्ची डाल रही हूँ। धनिया गोलकी पाउडर 1 चम्मच, जीरा पाउडर 1 चम्मच,
लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, हल्दी पाउडर 1 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक 1 चम्मच, अब मसाला को थोड़ा भूनना होगा। टमाटर दे रही हूँ कटा हुआ, थोड़ा चिकन मसाला, बहुत ही अच्छा बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप भी घर पर बना के देखिएगा। अब चिकन डाल रही हूँ, इसको थोड़ा भूनना होगा बढ़िया से, बहुत अच्छी तरह से। थोड़ा पानी डाल रही हूँ 1 गिलास जैसा, पकेगा बढ़िया से चिकन। इसको भूनना होगा बढ़िया से बहुत अच्छी तरह से। अब पानी सूख रहा है, 5 मिनट भूनना होगा। हुआ हो चुका है, अब मैं 2 गिलास पानी डाल रही हूँ पकाने के लिए। अच्छी तरह से पकेगा चिकन, बहुत बढ़िया लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा खाने में। दस मिनट तक इसको ढक के रख देती हूँ। चिकन बहुत ही अच्छा बहुत ही स्वादिष्ट बहुत ही टेस्टी बना है, बहुत ही खुशबू आ रही है। अब भी घर पर ट्राई कीजिएगा, कैसा बना बताइएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। खुदा हाफिज़।